जमशेदपुर में आम बजट पे लोगों की मिश्रित प्रतिक्रिया आ रही है। जहां छोटी और मध्यम वर्गीय व्यापारियों ने इसे निराशाजनक बताया है, तो वहीं दूसरी ओर बड़े व्यापारियों ने अच्छा बजट बताया है। इसी बीच जमशेदपुर चैंबर ऑफ कॉमर्स ने बजट को निराशाजनक बजट बताते हुए छोटे और मध्यम वर्गीय व्यापारी और आम वेतनभोगी नागरिकों के लिए इस बजट में कुछ भी बेहतर नहीं है। जमशेदपुर चैंबर ऑफ कॉमर्स से जुड़े हरविंदर सिंह ने कहा कि हमारी उम्मीद टैक्स लाभ में बदलाव करते हुए 5 लाख से 10 लाख करने और छोटे और मध्यम वर्गीय व्यापारियों को जीएसटी स्लैब में छूट की थी, लेकिन सड़क परिवहन और वंदे भारत रेल की घोषणा स्वागत योग्य है। हम लोगों को काफी कपड़े के व्यवसायी की बहुत प्रतिष्ठित मांग थी कि उनका जो टैक्स स्लैब है उसे 5% घटाकर मुक्त कर दिया जाए, लेकिन सरकार ने उस पर कोई निर्णय नहीं लिया। मिला जुला कर सरकार ने व्यवसायी वर्ग को अनदेखी की है और व्यापारी वर्ग इससे काफ़ी निराश है। जो खाद्य पदार्थ है, जो आवश्यक वस्तु है खाद्य की, जैसे जो डेयरी प्रोडक्ट्स है, दूध के उत्पाद हैं, उसमें सरकार को कर मुक्त कर देना चाहिए था। सरकार ने उसमें कोई रियायत नहीं दी। हाँ, जरूर है कि सरकार ने आधारभूत संरचना को मजबूत करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। 25,000 किलोमीटर के हाईवे बनाने का सरकार ने निर्णय लिया है। सरकार ने कुछ ऐसे भी निर्णय लिए हैं जैसे कि डिजिटल पासपोर्ट, जो एक जनहितकारी निर्णय है। इसके अलावा दिव्यांगों को टैक्स में छूट दी है। डिजिटली लेन देन को बढ़ाने के लिए डिजिटल करेंसी को लाने की घोषणा की है। क्रिप्टो करेंसी में जो अभी जो नुकसान हो रहा है लोगों को, लोग उसके जो मकड़ जाल में फंस रहे हैं, उसको रोकने के लिए सरकार ने 30% का जो टैक्स लगाने की जो घोषणा की है, वो भी एक अच्छा निर्णय है। 2022-23 का बजट हमारी नज़र में देश के विकास के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी अच्छा है, परंतु मध्यम वर्गीय और कर्मचारी लोगों के लिए जो आयकर में छूट नहीं है, किसी तरीके की कोई सुविधा मुहैया नहीं करवाई गई है, ये निराशाजनक बजट है। हमारी सरकार को रोजगार के नए नए आयाम निकालने चाहिए थे, ताकि जो अभी फ्री में गरीब लोगों को मुफ्त में सामान दिया जाता है उस पर रोक लगती, बेरोजगार जो लोग हैं रोजगार बढ़ता, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने में, देश के विकास में और सरकार को मदद मिलती। छोटे व्यापारी को खास करके काफ़ी आशा थी कि सरकार छोटे व्यापारी को कुछ ना कुछ देगी, लेकिन बजट देखने के बाद हम लोग हाथ में निराशा लगी। और जो इनकम टैक्स का स्लैब है, उसको हम लोगों ने सोचा था कि सरकार 5 लाख से बढ़ा करके 10 लाख रुपए तक कर देना चाहिए था, और जो 10 लाख से 20 लाख जिसकी आय है सालाना, उसको 10% के स्लैब में लाना चाहिए था, और 20 लाख से ऊपर जिसकी इनकम है उसको 30% स्लैब में लाना चाहिए था, लेकिन सरकार ने इनकम टैक्स से किसी प्रकार की कोई छूट नहीं दी। दूसरी चीज़ कि 2 साल से कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल में छोटे व्यापारियों की कमर जो है टूट चुकी है। आज बहुत से व्यापारी अपना व्यापारी बंद करके काम की तलाश में है कि हमको कुछ चीज़ कोई काम मिल जाए, हम अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें।